गुड आफ्टरनून। कहीं जा रहे थे पास्तल पासमार की ओर और आएगा बैरिंग जो है झटके में अचानक आ जा आवाज़ कर गया और अपना आएगा बैरिंग जो है टूट चुका है। रिक्शे का आएगा बैरिंग जो है अपना टूट चुका है, ठीक है। आवाज़ काफ़ी दिनों से आ रहा था लेकिन अब जाके साउंड जो है बढ़िया, गाड़ी बैठ गई है, मतलब गाड़ी आगे की तरफ भाग नहीं रही है। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं गैरेज से। सुबह दिन तो अच्छा गया, जो ट्रिप मारना था ट्रिप मार लिया मैंने, तो ट्रिप मारने के बाद ये सीन आया, तो अभी गैरेज पे हूँ मैं। तो आज की वीडियो शुरुआत कर दे, और अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, कुछ और भी इंजन का काम दिखाता हूं आपको मैं, वीडियो साथ बने रहो। काफ़ी गाड़ियां यहां खड़ी है, ये देख पा रहे हो 3-4 गाड़ियां खड़ी है, एक का इंजन का काम चल रहा है उसका भी व्यू दिखाता हूं, तो बन रहो, ठीक है। इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखो जरा फ्रंट कैमरे से व्यू दिखाता हूं। दूसरी गाड़ी का इंजन खुल चुका है, जो देख पा रहे हो आप। अब इस गाड़ी का ब्लॉक पिस्टन हेड वगैरह सबका काम हो रहा है, इसने हेड मरा के आया, देख सकते हो न्यू हेड है अभी। और इसका खर्चा बैठा है 1700 रुपये हेड का, खाली इस हेड का। सोच सकते हो कितना ज़्यादा खर्चा है इस हेड में, जो हेड दोनों दिख रहा है आपको इसमें। अभी मैं सोचता हूँ जो ये हेड जो अब मरा के आया है, इससे अच्छा इसको नया डालने में फ़ायदा है, क्योंकि ये कितना भी है तो मैनुअली किया हुआ है, अगर हम कंपनी का ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। तो देख सकते हो बजाज का ये 4-स्टॉक रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, और इस गाड़ी में जब काम निकलता है ना तो काम रुला देता है भाई। मैं खुद बताऊँ, मेरा तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मेरा बैरिंग का प्रॉब्लम है, तो नया इंजन नहीं खुला हुआ था, तो मैं चलो आपको भी दिखा देता हूँ कि भाई रिक्शे वाले का क्या हालत होता है जब रिक्शे वाले का खर्चा निकलना चालू होता है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो जो शेयर करो। मेरी गाड़ी तो बात है, मैं फिलहाल मैं शिवानी ऑटो पार्ट्स गैरेज पे से, गाड़ी का इंजन खुला हुआ है और ब्लॉक पिस्टन का काम चल रहा है इसका, ठीक है। और मेरी गाड़ी जो उधर खड़ी है पीछे, जिसका आएगा व्हील जो है मेरा जाम है, वो देखना है मुझे। गाड़ियाँ रोज के रोज इस 4-स्टॉक गाड़ी में ना जो इन्वेस्टमेंट जो खर्चा लगता है ना, काफ़ी हद तक ज़्यादा लगता है। और काम सबसे अच्छा यहीं होता है, तो गाड़ियों की लाइन भी यहीं लगी रहेगी शिवानी ऑटो पार्ट्स गैरेज पे ही, जो कि है अपने पालघर बोईसर ब्रिज पीछे बीच है और S160 के सामने है, S160। और यहाँ पे मतलब क्या ट्रस्टफुल काम होता है, इसकी वजह से लोगों की भीड़ यहीं रहती है शिवानी ऑटो पार्ट्स गैरेज बोईसर। तो मेरी गाड़ी का आगे का व्हील एक बार चेक हो जाए, मैं वही सीन दिखाऊंगा, मेरी गाड़ी उधर खड़ी है फिलहाल, में एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेरी गाड़ी का काम जैसे देख पा रहे हो, गाड़ी खुल चुकी है, काम चालू हो चुका है इसका। क्या बोलने का यार, समझ में नहीं आता, जब जब नहीं सोचते ही कुछ काम निकला है, ये बैरिंग टूट गया है, अब चेंज करेंगे तो दोनों बैरिंग चेंज करेंगे, आगे का पीछे का दोनों बैरिंग चेंज करेंगे, उसके बाद एक और छोटा मोटा काम, मतलब अभी 2-4 महीना पूरा छोटा मोटा काम कम्प्लीट करना ही है भाई किसी हालत में। तो फ्रंट कैमरे से व्यू दिखाता हूँ, देखो जरा सीन है, वो बैरिंग तो ठीक है, लाइनर भी कट चुका है, तो लाइनर भी चेंज करने का प्लान कर रहे हैं। देखे तो लाइनर एक साइड से पूरा खा चुका है, ऐसे कम हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं चेंज ही कर देंगे इसको, क्योंकि मेरा पैंडल भी जो है ना बहुत नीचे जा रहा था, तो इसे चेंज कर देंगे, ठीक है। देखो एक पूरा निकल के आ रहा था, पर कि बैरिंग जो है ख़राब था इस वजह से, अभी देखते हैं फटाफट चेंज कर लेते हैं और थोड़ा बैरिंग जो है पूरी तरह टूट गया, बैरिंग का कचुम्बर निकल गया एक तरफ से। अचानक काम निकल जाता है कभी कभी, बैरिंग तो पूरी तरह टूट के एकदम बेहाल हो चुका है, नीचे पड़ा हुआ देख सकते हो। चलो तो अपना फटाफट सब कुछ सेट कर लिया, बैरिंग डाल ली है, सब कुछ हो गया है, अभी बस व्हील को फिट करना है और व्हील को फिट करके अपने अपने जर्नी पे निकल जाना है। समझो काम तो कंप्लीट हो चुका है, अभी बस अब निकलने की तैयारी करते हैं हम। बने रहो वीडियो के साथ, अच्छा तो लाइक करो। बैरिंग
चेंज कर चुके हैं, सेट हो चुका है। अब जब हड़वर लाइनर को सेट करते हैं और अब फटक से निकलते हैं अपनी ट्रिप की ओर, जो ट्रिप है अपना बंधा हुआ। तो ये लाइनर फिट हो चुका है, अब ये फटवा सेट करेंगे और निकलेंगे अपने दूसरे काम को, जो काम मेरा पेंडिंग रुका हुआ है। तो बस फाइनली हम मिलते हैं आपको स्टेशन पे, जाके डायरेक्टली अब सीधा मुलाकात करेंगे स्टेशन पे, बोईसर रेलवे स्टेशन पे। भाई सब काम फिनिश कर लिए, गाड़ी बन गया, गाड़ी में मतलब दोनों बैरिंग चेंज कर दिए, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी एक दो काम और है गाड़ी का, वो भी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। भापुर सदन जी दे दिए गए हैं और मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं निकल गया वहाँ से। मैं बोला भाई क्या यार, अच्छे टाइम पे गाड़ी धोखा दे दिया। लेकिन एक बात और है भैया, मेरी गाड़ी ना मुझे कभी भी मतलब बीच में नहीं अटकाया है, मतलब ये सब कामों में अपने एरिया में हूँ, ख़राब हुआ गाड़ी बन गई, मतलब परेशान नहीं किया गाड़ी ने, ज़्यादा परेशान नहीं किया, बहुत ना के बराबर। तो गाड़ियाँ अभी कैसा है, गाड़ी को 3 साल हो गया तो मेंटेनेंस तो आएगी भाई, और 4 स्टार हो गए तो हर चीज़ कटता है समय के हिसाब से, धीरे धीरे इंजन के अंदर भी कटता है तो होता है। और सबसे पहली बात उसने मेरे बात बोली, ग्रीसिंग अगर टाइम पे नहीं करते हो तो भी ये काम आपको आ सकता है। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, काम कम्प्लीट हो गया है और हमारे घर के पास रहते भर में अपना काम हो गया। मतलब बोईसर में रहते भर में कोई भी गाड़ी को प्रॉब्लम आया तो फिर अपना है यार, शिवानी ऑटो पास गैरेज है, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मैं फिलहाल में अभी रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से अब निकलूँगा थोड़ा वेट करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। गुड नाइट।